दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके के अस्तीफे की चर्चा हो रही है अते किया जा रहा है कि उन्होंने आज अपने प्रधान के अहदे तो अस्तीफा दे दिता है। हालांकि उन्होंने इस संबंधी पत्रकारों नाल गलबात करदिया इस तो इनकार किया अते कहा कि उन्होंने अगले कुछ दिन के रुझेवियां कारण कार्यभार सीनियर मीत हरमीत सिंह कालका नूं सौंपिया है। दस दईए कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान होने के नाल नाल जी के श्रोमणी अकाली दल बादल की दिल्ली इकाई के भी प्रधान ने अते वो अपने इस अहदे ते बने रहेंगे। यूक्रेन के शहर चेरनीगोव विच हथियारों के एक स्थानक गोदाम विच शक्तिशाली धमाकों तो बाद शहर के नजदीक वसे करीब 10,000 लोगों नूं सुरक्षित थावां ते भेजा गया है। इस दे नाल ही धमाकों तो बाद 20 किलोमीटर तक के इलाके विच हवाई खेतर अते सड़कां नूं बंद कर दिता गया है। डॉलर के मुकाबले अज रुपए की शुरुआत मजबूती नाल हुई है। रुपया अज 19 पैसे के वाधे नाल 73.87 के पद्धर से खुलिया है। हालांकि रुपए विच कल वड्डी गिरावट देखने को मिली सी। डॉलर के मुकाबले रुपया कल 30 पैसों की गिरावट के नाल 74.06 के पद्धर से बंद होया सी। SSA ते रमसा अध्यापकां नूं रेगुलर करन दे नां ते पंजाब सरकार वल्लों तनखाहां विच कीती भारी कटौती विरुद्ध पटियाला विखे पक्का मोर्चा लगाए बैठे 5 अध्यापक आगुआं दी मुअत्तली विरुद्ध अज पूरे पंजाब विच सांझा अध्यापक मोर्चा वल्लों अर्थी फूक मुजारे कीते जाणगे। गौरमेंट टीचर यूनियन दे हरजीत गलवट्टी, अध्यापक दल दे तेजिंदर सिंह संघरेड़ी अते DTF दे बलबीर चंद लोंगोवाल ने अध्यापक आगुआं दी मुअत्तली दी जोरदार निंदा कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के सांपला विच सर छोटू राम की 64 फुट उच्ची मूर्ति तो पर्दा हटाउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली नूं मिशन 2019 की शुरुआत के तौर पर वेख्या जा रहा है। 2014 चोणां तो पहला भी प्रधानमंत्री ने हरियाणा तो ही अपने चोण प्रचार की शुरुआत की सी। राजस्थान के जयपुर विच जीका वायरस तो 22 मरीजों के प्रभावित होने की पुष्टि होने मगरों राज तो लैके केंद्र सरकार परेशान होंदी विखाई दे रही है। प्रधानमंत्री दफ्तर ने इस वायरस के फैलन से सेहत मंत्रालय तो रिपोर्ट मंगी है। राजस्थान विच जीका वायरस तो प्रभावित होने वाले विच एक बिहार का व्यक्ति भी है जो कुछ दिन पहला ही बिहार परत आए, जिस कारण बिहार सरकार को यह डर है कि जीका वायरस सूबे विच पैर ना पसार लवे। दिल्ली समेत वख-वख राज्यों विच इसके फैलन का डर बनिया होया है। गुजरात विच कुछ दिनों विच उत्तर प्रदेश ते बिहार दे लोकां ते हमले हो रहे ने। इन्हां लोकां नूं गुजरात छड्डण लई मजबूर होना पै रिहा है। गुजरात दे मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दावा कीता है कि पिछले 48 घंटिया विच अजिही कोई घटना नहीं वापरी, लेकिन मुख्यमंत्री दे दावे दे उल्ट रिपोर्टां मुताबिक 47 प्रवासियों नूं अहमदाबाद विच बंदी बना लिया गया है। जिक्रयोग है कि गुजरात दे साबरकांठा जिले विच 14 महीनिया दी बच्ची नाल जबर जनाह मगरों उत्तर प्रदेश ते बिहार दे लोकां ते हमले शुरू हो गए ने। उत्थे खबरां मुताबिक महाराष्ट्र विच प्रवासियों ते हमले हो रहे ने। पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां विच इक वार फिर तेजी वेखण नूं मिल रही है। अज दिल्ली विच पेट्रोल दीआं कीमतां विच 23 पैसे प्रति लीटर अते डीजल दीआं कीमतां विच 29 पैसे प्रति लीटर दा वाधा दर्ज कीता गया है। दिल्ली विच पेट्रोल 82.26 पैसे अते डीजल 74.11 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर विच स्थित पाकिजा माल विच लंघी रात नूं भयानक अग लग गई, जिस विच 7 लोग जख्मी होए दसे जा रहे ने। फायर ब्रिगेड वल्लों अग ते काबू पाउण दे यतन जारी ने। थाना आदमपुर अधीन आउंदी चौकी अलावलपुर पुलिस वल्लों 110 पेटियां नाजायज शराब दीआं बरामद करन दा दावा कीता गया। चौकी इंचार्ज हरप्रीत सिंह ने दस्या कि मुखबर दी इतलाह ते पुलिस पार्टी ने कुलदीप सिंह उर्फ घुग्गी वासी उपल पत्ती ब्यास पिंड दे डेरे ते जदों छापेमारी कीती तां उत्थों इक कमरे चों गिन्नी मारका हरियाणे दी नाजायज शराब दीआं 110 पेटियां बरामद कीतीआं गईआं। उन्हां दस्या कि कुलदीप सिंह बाहरों शराब लिया के वेचण दा काम करदा सी पर मौके तों फरार हो गया। उसके विरुद्ध थाना आदमपुर विखे परचा दर्ज कर लिया गया है ते उसकी भाल जारी है।